एक विवाहिता ने प्यार के कारण अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। इस मामले में घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। सज्जनों के समझाने के बाद भी ससुराल नहीं गई। इस दौरान अपने प्रेमी के साथ रहने की बात कह रही थी। थाने में ही लड़की सज्जनों से बार बार अपने प्रेमी से बात करने के लिए फोन मांग रही थी। अंत में सज्जनों ने लड़की को फोन दे दिया। इसके बाद लड़की ने प्रेमी से बात की तो प्रेमी ने शादी करने से इनकार कर दिया। बावजूद लड़की ससुराल जाने के लिए राजी नहीं हुई। चिहार गांव निवासी भूदेव चौधरी का एक वर्ष पहले रजौन के खैरा गांव की लड़की के साथ विवाह हुआ था। इसी बीच तीसरे युवक के एंट्री पर वैवाहिक जीवन में दरार पड़ गई। इस बात की जानकारी उस वक्त हुई जब पत्नी पति के साथ रहना पसंद नहीं करने लगी। इस बात की जानकारी पति द्वारा अपने सास ससुर को दिया, जहाँ रिश्ते को कायम रखने के लिए सज्जनों द्वारा पूर्व में पंचायत बुलाई गई, लेकिन कुछ दिन बाद पंचायत के फरमान को नजरअंदाज कर दिया। शनिवार की संध्या मामला थाना पहुंचा। मौके पर पुलिस ने लड़की को प्रेमी युवक रजौन छाना क्षेत्र के खैरा गांव निवासी राहुल कुमार से फोन पर बात कर थाना बुलाने की बात कही तो अपनी शादी कहीं और लग जाने की बात कहकर आने से मुकर गया। इधर इस मामले को लेकर बाराहाट थाना अध्यक्ष शंकर दयाल प्रभाकर ने बताया कि लड़की को समझा कर मामले को शांत कर दिया है और लड़की को माता पिता के साथ भेज दिया गया है। बांका से विकास कुमार की रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूज। कौन है तुम्हारी ये पति एक पत्नी हो? अच्छा, क्या नाम है इसका? रश्मि कुमार। तुम्हारा घर कहाँ है? क्या प्रॉब्लम है इसको? नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? वो कहे नहीं रहता। तुम मारता है क्या? नहीं, ऐसे नहीं रहेगा। बोलता डायरेक्ट आपके पास नहीं रहेंगे। कहीं दूसरा जगह इसका संबंध है क्या? दूसरे जगह से बात करता है फोन पे। तुम्हारे पास जाने के लिए तैयार नहीं है? तुम आते हो, आए हो थाना? कहे के लिए आए हो थाना? बोलिए क्या प्रॉब्लम है? हमे बेटी का शादी करा दिला छी। हाँ। शादी करा के हम जमा हतम दे दिलिये। जमा सब बेसी सहस से बेसी बढ़ी गेले। मैं ना रखा पारी ना रखा पारी होले तो हम थमान दिले जमा का। अब जब बिगड़ी होले तो ओकरो सुधार नहीं होता तो सुधार थाना आइले। थाना आइले तब थाना में जे रिपोर्ट होते वो फैसला होते। क्या बोलती है आपकी बेटी? हाँ, क्या बोलती है? नहीं जाएंगे। बेटी बोले की हम दमादार पास नहीं जेबे। आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि हमारा घर बस आना है। यही ना? हाँ, ठीक।